मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम प्रवेश होत्रा बानी पाकिस्तान मसीह आमदत पार्टी इस वक्त तहसील कचहरी पतोखी में मौजूद हूँ, जहाँ पर तीन नौजवान विशाल, हारून और शाहिद को गांव के जिम्मेदारों ने एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमात, जिनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, 22 मुकदमात में जेल भेजा हुआ था। वो 2 साल से जेल में हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि आबद गुजराल साहब को इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, मुश्ताक साहब, सारे सब ने मिलकर उस पर बहस की है गुजराल साहब ने, और बाकायदा 16 मुकदमात में आज उन्हें बरी कर दिया गया है। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के जो दुआएं कर रहे हैं, पास्टर साहबान के, कलीसियाओं के, और ख़ास तौर पर आबद साहब के, जिन्होंने आज वहाँ पर बुलाई दी है। शुक्र करते हैं। मैं चाहूँगा आबद साहब आप इस मुकदमे के बारे में। ये हमने ना कि तकरीबन 20 मुकदमात थे जो कि मोहम्मद रजवान साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब पतोखी की अदालत में जेर समात थे, जो कि मुख्तलिफ नियात के झूठे दफात मिला कर उनको किया गया था। तो हमने जज साहब को सारा अपना मौकफ बयान किया, उनको सारी बात डिटेल में बताई कि ये झूठे मुकदमात किस बना पर दर्ज किए गए हैं और ये बिल्कुल बेगना है। जो जैसा हमारे आर्गूमेंट से एग्री हुए और तकरीबन उन्होंने आज 16 मुकदमात में उनको बाइज़ किया। बाकी 3 मुकदमात रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट में।